नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में जमुई लोकसभा की। जमुई लोकसभा से 2019 में कौन बनेगा सांसद। जमुई लोकसभा सीट लगभग 5 दशक बाद 2009 में दोबारा अस्तित्व में आई और पहली बार यहां राजद के उम्मीदवार भूदेव चौधरी ने बाजी मारी। तब वह जदयू प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। दूसरी बार जब राजद गठबंधन में यह सीट लोजपा के खाते में गई तो 2014 में लोजपा के चिराग पासवान ने सीट आसानी से निकाल ली। इस बार चिराग पासवान एनडीए की तरफ से, वहीं महागठबंधन से भूदेव चौधरी टाल ठोक रहे हैं। जन साहित्य के अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि गिद्धेश्वर पहाड़ी पर रावण के साथ जटायु ने युद्ध किया था। नए परिसीमन में जमुई अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित संसदीय क्षेत्र बना। यहाँ 15.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें 8,27,898 पुरुष और 7,22,284 महिला वोटर हैं। मिलाकर इस संसदीय क्षेत्र से 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई में पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 2-2 सीटें जेडीयू आरजेडी के खाते में, जबकि 1-1 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के खाते में कब्जा गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में जमुई सुरक्षित सीट से एलजेपी के उम्मीदवार चिराग पासवान ने अपने आरजेडी उम्मीदवार सुधांशु शेखर भास्कर को 85,947 मतों से पराजित किया था। चिराग पासवान को 2,85,352 वोट मिले, जबकि आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 1,99,407 वोट मिले। वहीं जेडीयू उम्मीदवार तथा बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को 1,98,599 वोट हासिल हुए और वो तीसरे स्थान पर रहे। जमुई लोकसभा सीट 3 जिलों जमुई, मुंगेर और शेखपुरा के इलाके को मिलाकर बना है, इसलिए समय समय पर परिसीमन के साथ ही इस सीट का अस्तित्व भी बनता बिगड़ता रहा है। जमुई संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं, तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झांझा और चकई। इनमें से 4 विधानसभा सीटें जमुई जिले में आती है, जबकि 1 मुंगेर और 1 शेखपुरा जिले में। अब बात करते हैं कि 2019 में कौन बनेगा यहाँ से सांसद। कि जो भी उम्मीदवार हैं ऐसे प्रत्यक्ष रूप से महागठबंधन और एनडीए को लेकर के 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें कि कौन बनेगा 2019 में सांसद, ये देखने वाली बात है और ये आपके वोट निर्धारित करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आगे शेयर कीजिए, तो सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।